टीवी शो अनुपमा के साथ ट्रैक्स ने किया फैंस का भेजा फ्राई। दोस्तों टीवी शो अनुपमा इन दिनों सुर्खियों में है। कई सालों से फैंस के दिल में राज कर रही है अनुपमा। ऐसे में शो के कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जिन्हें देखकर फैंस का भेजा फ्राई हो गया है और फैंस हो गए हैं काफी ज्यादा बोर और मेकर्स पर भड़क पड़े हैं। चलिए बात करते हैं उन 7 ट्रैक्स की जिन्होंने फैंस का कर दिया है भेजा फ्राई। आपको बता दें टीवी शो अनुपमा की कहानी अब सिर्फ अहमदाबाद तक नहीं रह गई बल्कि अमेरिका तक पहुंच गई है। चाहे अनु हो, अनुज हो या फिर शाह फैमिली, सबके सब अमेरिका में पहुंच गए हैं। लेकिन ताजुब तब होता है जब शाह फैमिली बड़ी ही आसानी से अमेरिका पहुंच जाती है। रियल लाइफ में देखा जाए तो विदेश जाना इतना भी आसान नहीं है और वीजा मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये बात फैंस को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। वही मेकर्स ने अनुपमा की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए शो में 5 साल का लीप दिखाया था। शो में 5 साल का लीप आया। डिंपल, काव्या, पाखी के बच्चे भी दिखाए गए। आद्या बड़ी हो चुकी है लेकिन शो के कैरेक्टर और भी जवान हो चुके हैं जो कि फैंस को बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वहीं अनुपमा अहमदाबाद से निकलकर अमेरिका तक पहुंच गई है लेकिन उसकी जिंदगी की उलझनें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऑडियंस कब से इंतजार कर रही है कि अनु की जीवन में खुशियां आए लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जैसे ही कोई खुशी दस्तक देती है तुरंत ही वो रोने लगती है और कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है जिससे कि फैंस का खून खौल उठा है। वहीं देखा जाए तो अमेरिका इतना भी छोटा शहर नहीं है जितना कि सीरियल में दिखाया गया है। कोई भी कभी भी कहीं भी टकरा जाता है, जैसे लगता है सब आसपास ही हो। इसके अलावा अनुपमा शाह फैमिली के लिए चाहे कुछ भी कर ले लेकिन कुछ एहसान फरामोश लोग उसके एहसान भुलाने में 1 मिनट तक नहीं लगाते। इसके बावजूद अनु शाह फैमिली से दूरी नहीं बना पा रही है। हालांकि अमेरिका जाने का मकसद यही था कि शाह फैमिली से वो दूर हो जाए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि फैंस हो गए हैं काफी ज्यादा आग बबूला। वहीं अनुपमा के बच्चों का तो क्या ही कहे, चाहे तुषु हो, पाखी हो या फिर छोटी अनु यानी कि आद्या, सब के सब बिगड़ैल है, अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। समर एक अच्छा बेटा था लेकिन शो के मेकर्स ने उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। वहीं शो में आद्या की नौटंकी देखकर तो फैंस बोर हो चुके हैं। बचपन में हुए हादसे को हथियार बनाकर हर बार अपनी माँ को खरी खोटी सुनाना, ये देखना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है।